लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस YouTube ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको परसेंटेज या प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपकी नवोदय के साथ साथ सैनिक स्कूल की परीक्षा है या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये देखते हैं आज का पहला और इस श्रृंखला का 53वां प्रश्न क्या है। मेरी आय 1200 रुपये प्रतिमाह है, यदि मैं इसका 20% बचत करता हूँ तो एक माह में मेरी जो बचत होगी वो कितनी होगी। तो 53 का सॉल्यूशन देखते हैं। आय कितनी है? 1200 है। 1200 कुल आय कितनी है? 1200। और इसका हमने क्या करना है? 20% निकालना है। तो बचत बराबर 1200 गुणा में 20 और बटे में 100, दोनों जीरो कट गए, 12 दूनी 24 यानी 240 रुपये वह बचा लेता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। सेकंड यानी 54 क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या है। 150% को निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? तो 54 का सॉल्यूशन देखते हैं। 150% है, तो मैंने बताया था कि प्रतिशत के स्थान पर हमने सिर्फ 1/100 लिखना होता है, अर्थात 150 गुणा में 1/100। एक जीरो से जीरो कट गया तो क्या आ जाएगा? 1.5, क्योंकि हम जानते हैं एक जीरो है तो 0.1 इधर साइड में खिसक जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 55वां प्रश्न है, क्या दिया है? मेरा वेतन ₹1200 है तथा महंगाई भत्ता है इसका 15% है, यदि नया महंगाई भत्ता है वह बढ़ाकर ₹300 कर दिया गया तो मेरे महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्वेश्चन नंबर 55, मूल वेतन या उसका कुल वेतन है वह कितना दिया है? 1200 रुपये है, तो महंगाई भत्ता बराबर कितना हो जाएगा? 1200 गुणा में 15/100, तो जीरो कट गए, 15 दूनी 30, 15 × 15 = 3 = 18 यानी 180 रुपये उसका महंगाई भत्ता है। नया भत्ता है वो 300 कर दिया गया है तो महंगाई भत्ते में वृद्धि, महंगाई भत्ते में वृद्धि यानी जितना बढ़ गया उसमें से हम 180 को घटा देंगे, वही क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जीरो, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पर 2 में से 1 गया यानी 120 रुपये उसके बढ़ गए हैं। तो 180 थे और 120 की वृद्धि हो गई, तो 180 का 120 है कितना परसेंट है सिर्फ ये निकालना है। तो माना कि आर प्रतिशत है, माना आर प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं 180 गुणा में आर बटे में 100 बराबर कितना चाहिए? 120। तो यहाँ से ये जीरो कट गया यानी आर बराबर कितना हो गया? 120 गुणा में 10 बटे में 18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखो 6 से कट जाएगा, 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12 यानी 20, तो कितना हो गया? 200 बटे में 3%। तो यहीं पॉइंट्स में काट के दिया है तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 × 6 = 18, 2 बचेंगे फिर 20 हो गए, 3 × 6 = 18 फिर पॉइंट लगा के 3 × 6 = 18 यानी 66.6% की वृद्धि उसके महंगाई भत्ते में हुई है। अगला यानी 56वां प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बिल्कुल आसान है, क्या दिया है? यदि वायु में 79.2% नाइट्रोजन है, 20.7% ऑक्सीजन है और 0.08% अन्य हल्की गैसें हैं तथा शेष जो बच गया वो क्या है? आर्गन है। तो उस वायु का आयतन क्या होगा जिसमें 1 घन मीटर आर्गन हो? तो सबसे पहले हम आर्गन का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 56 कुल प्रतिशत जो दिया है अन्य गैसों का उनको हम जोड़ लेते हैं। तो देखो 79.2 और 20.7 और 0.08, तो यहाँ पर भी जीरो ले लेंगे। अब इनको जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 8, 7 और 2 = 9 और ये भी 9 और ये भी 9। तो आर्गन का प्रतिशत, आर्गन का प्रतिशत यानी 100 में से इसको घटा देंगे 99.98, तो आप जानते हो कितना आएगा? 0.02 0.02% क्या है? आर्गन है। अब इसमें पूछा गया है कि उस वायु का आयतन क्या होगा जिसमें 1 घन मीटर आर्गन हो, माना कि गैस
माना गैस या वायु का आयतन कितना है, x है, यानी x का 0.02% कितना होना चाहिए, एक घन मीटर। इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ से आप इसको हटाओगे तो दो जीरो इस पे लग जाएंगे, दो से ये कितने बार कट जाएगा, 5000 बार कट जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5000 घन मीटर या मीटर क्यूब। तो देखते हैं कहाँ पर, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।